नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार को अगर बढ़िया से देखना है तो बिहार के अतीत को देखना पड़ेगा, और उस अतीत में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस दुनिया को ज्ञान देती आई हैं। ज्ञान की धरती कही जाती है, राजनीति की धरती कही जाती है, राज लोकतंत्र की जननी कही जाती है, लेकिन इन सब में आपको याद होगा कि चाणक्य एक ऐसा नाम है जो पूरे लोकतंत्र और राजनीतिक इतिहास का निचोड़ है। इसी धरती पर चाणक्य की उत्पत्ति हुई थी, और यहाँ से एक नए धारा की शुरुआत हुई, नए राजनीति की शुरुआत हुई थी। ये धारा धीरे धीरे स्वार्थ और राजनीतिक मंशा जो थी सत्ता पर पहुँचने की, उसको लेकर के बदलती चली गई। इस बदलाव ने समाज में अलग अलग विभाग कर दिए, जातियाँ बट गई, जातियों के साथ समूह बट गए, और इन सब के साथ साथ कहा ये जाने लगा कि शोषण और शोषित ये दो वर्ग बन गए हैं, कभी ये कभी वो। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र का जो सबसे खूबसूरत पहलू है वो ये है कि सबको बराबर अधिकार मिले। समान नागरिक संहिता की बात होती है, बहुत सारी बातें होती है, लेकिन समानता की बात में अल्पसंख्यक हो जाना भी, जो कभी बहुसंख्यक हुआ करते थे, एक बड़ी त्रासदी है। इस त्रासदी को दूर करने के लिए कोई सवाल नहीं होते हैं, न इस पर चर्चा होती है, और नहीं तो ये कहा जाता है कि एक बात पक्का है कि इन सारी बातों को लेकर के अब जो परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं, उन परिस्थितियों में एक बार फिर से ये चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर होगा क्या, जो होगा वो देखा जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि ब्राह्मण अभी हाशिए पर है, अल्पसंख्यक की श्रेणी में है, और ऐसी स्थिति में एक बात तो पक्का नजर आ रही है कि ब्राह्मण नाराज है। उनकी नाराजगी ऐसे देखने को मिलती है कि वो या तो नोटा दबा देते हैं या फिर वोट करने नहीं जाते हैं। धीरे धीरे करके आपने देखा होगा कि लोकसभा हो, विधानसभा हो, या अन्य सभाएं हो जहां कानून बनते हैं, वहां ब्राह्मणों की संख्या घटती जा रही है। इसी बात को लेकर के आज हमारे साथ आशुतोष झा जी हैं। इन्होंने ब्राह्मणों को उसके संगठित करने को लेकर के बहुत लंबा प्रयास किया है, डेढ़ दशक से ज़्यादा का इनका प्रयास है, और इस प्रयास में क्या हासिल किए क्या हासिल नहीं किए, चर्चा इस विषय पर नहीं है। चर्चा इस विषय पर है कि इन्होंने चर्चा जरूर छेड़ दिया है, हर ब्राह्मण हर घर में ये चर्चा जरूर हो रही है कि हम अल्पसंख्यक बनते जा रहे हैं तो कैसे हम मेन फ्रेम में आए, और इसके लिए अपने समाज को कैसे संगठित किया जाए। इसी 20 तारीख को 20 अगस्त को एक ब्राह्मण विमर्श कार्यक्रम हुआ था, जो कि विधान परिषद के सभागार में हुआ था, जिसमें हजारों की संख्या में लोग आए थे, अलग अलग बिहार के हिस्सों से आए थे, और उन्होंने अपने विचार रखे। उस विचार के बाद बहुत कुछ निकल करके सामने आता है जो आने वाले 2024 और 25 के लोकसभा चुनाव में कैसे एक बार फिर से अपने अस्तित्व की तलाश करके उस जगह पर जाया जाए, इसकी चर्चा शुरू हो चुकी है। इन सारे विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ आशुतोष झा जी हैं। अब इनसे हम आगे की प्रक्रिया और आगे की बातचीत करते हैं कि आखिर इसका प्लान क्या है और कैसे संगठित करेंगे, जो अब तक नहीं हो पा रहा था। आशुतोष जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, और धन्यवाद भी आपको है कि आपने ब्राह्मणों के विषय में जो एक लंबी यात्रा की है, कई मौके आपने देखे, कई उतार चढ़ाव आपने देखा, फिर भी आप हिम्मत नहीं हारे। कई लोग आपसे अलग हुए, कई लोगों को आपने अधिकार दिया, अधिकार लेकर के भाग गए, जिसको चौकी दिया वो चौकी लेकर भाग गए, जिसको टेबल दिया टेबल लेकर के भाग गए, फिर भी आप हिम्मत किए हुए हैं। ये जीवटता कहाँ से आती है और इसके आगे का कार्यक्रम आपका क्या है? सर्वप्रथम आपको और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात आपकी प्रश्न का जी, तो बहुत लोग ये कहते हैं कि ब्राह्मणों को संगठित करने का जो मेरा 17 वर्षों का अभियान है जी, ये बहुत लोगों को लगता है, आपने भी इंट्रो में कहा जी, बहुत लोगों को करता है कि ये सफल है या असफल है, विवेचना का विषय है जी। लेकिन आपने भी कहा कि आज वो विवेचना का विषय नहीं है, फिर कभी हम लोग उस पर डिबेट कर लेंगे। दरअसल है कि हम सफल हैं या संगठन सफल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। हम तो लगातार काम कर रहे हैं, लोग जुटते हैं, कुछ टूटते हैं, फिर जुटेंगे, लेकिन हमारी यात्रा लगातार जारी है। और उससे क्या हुआ है, रसरी आवत दात जाते सिल पर परत निशान, वो पड़ चुका है जी। जी ठीक है, वो आपको भी आभास हुआ होगा कि हॉल छोटा पड़ जाता है जब, बिल्कुल मैंने देखा 20 तारीख को, मैंने जब कभी हमारा कोई कार्यक्रम होता है तो वो फील्ड में हो या हॉल में हो वो छोटा पड़ता है जी, तो इसका मतलब लोग जो एक किंवदंती कहते थे कि ब्राह्मण एक नहीं हो सकते हैं या बैंक तोलना, इस
परंपरा को तो हमने ध्वस्त कर दिया निश्चित रूप से। तो यदि वो परंपरा ध्वस्त हो गया तो इसका मतलब इतिहास रचने वाला है जी। और ब्राह्मण जब एकजुट होंगे तो निश्चित रूप से इतिहास रचेंगे जी। वो एकाध ब्राह्मण यदि संकल्प ले लेते हैं, टिक्की बांध लेते हैं, तो इतिहास रचा जाता है, घनानंद को सत्ता से उपनिचित किया जाता है जी। और आज जो है हमारे शंकराचार्य, जो चार शंकराचार्य हैं उसमें दो शंकराचार्य तो प्रखर रूप से कर रहे हैं कि आज देश में कोई राजनीतिक दल है ही नहीं जो वास्तव में नीतियों के आधार पर शासन कर रहा हूँ। तो एक भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो वास्तव में जो राजतंत्र का या प्रजातंत्र का जो गुण होना चाहिए वो उसमें हो, ये किसी में नहीं है। वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी दल में ये गुण नहीं है। समता समानता की बात नहीं है, कहीं नहीं है। संविधान में जो समानता का अधिकार दिया, भीमराव अंबेडकर ने जो कहा कि समानता का अधिकार होना चाहिए, वह वास्तव में है ही नहीं जी। जो 45% लाता है ठीक है, उसको नौकरी मिल रही है, जो 90% लाता है वो चपरासी का नौकरी नहीं मिलता। तो ये समानता का अधिकार नहीं है, ये अन्याय है, अत्याचार है। रही बात कि हम लोगों की, तो हम अभी 20 जून से हमने कितनी यात्राएं निकाला जी। कभी परशुराम यात्रा निकला, कभी परशुराम रथ यात्रा निकला, अभी हम लोग चाणक्य जनजागरण यात्रा पे हैं। 20 जून को सौराठ सभा गाछी मधुबनी से वह प्रारंभ हुआ और वह 25 दिसंबर तक चलेगा। 180 दिनों का लगातार यात्रा है जी। उस बीच में 2-4 दिन का प्रवास हो जाता है कहीं, लेकिन ये यात्रा लगातार है जी। अब उस यात्रा से हमारा उद्देश्य क्या है, तो ब्राह्मण अनिवार्य सदस्यता अभियान है उसका लक्ष्य। एक एक घर घर ब्राह्मण, एक एक ब्राह्मण को हम लोग अपने संगठन से जोड़ रहे हैं। और जब पूरी ब्राह्मणों की कनेक्टिविटी, अभी क्या है कि ब्राह्मण अभी भी कहने के लिए कहा जाता है कि पहले भी कहा गया कि ब्राह्मण बहुत गरीब है, सब किताब में है जी, जी। लेकिन कुछ ब्राह्मण सामर्थ्यशाली भी हैं जी, और कुछ मध्यम भी हैं और कुछ गरीब भी हैं जी। सुलभ शौचालय में नौकरी करते हुए बहुत लोग मिल जाते हैं, रिक्शा पुलर भी बहुत ब्राह्मण है आज के डेट में, लेकिन अरबपति और खरबपति भी बहुत लोग जी। ठीक है, उनको संसाधन नौकरी देने वाले लोग भी बहुत ब्राह्मण है जी। उसकी कनेक्टिविटी नहीं है आपस में, एक दूसरे का जोर करने वाला कोई सिस्टम नहीं था, जिसके चलते ब्राह्मण आइसोलेट हो गया था या वो अस्तित्वहीन हो रहा है सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में। तो हमने क्या किया है कि वैसे सभी लोगों को, लाइक माइंड लोगों को एक सूत्र में पिरोने का काम कर किया जी, है जी। हम शाहबाद में जाकर के वहां के मजबूत स्तंभ को जोड़ रहे हैं, तो सारण में जाके सारण के मजबूत स्तंभ को जोड़ रहे हैं। हम कोसी के मजबूत स्तंभ को जोड़े हैं, तो हम मगध के मजबूत स्तंभ को भी जोड़ रहे हैं। 9 प्रमंडल के या 3800 जिला के जो मजबूत स्तंभ हैं, उन सबों से हम लोगों की राय शुमारी हो रही है जी। अब उसमें क्या है, मजबूत लोगों में अब हम लोगों में एक समस्या आई 17 सालों में, ये लगा कि जो स्थापित नेता हैं हमारे ब्राह्मण समाज के जी, उनको एकजुटता पसंद नहीं है जी। उनको एकजुटता इसलिए नहीं पसंद है कि उनके जो शीर्ष नेतृत्व हैं जी, उनको एकजुटता पसंद नहीं है, तो उनके चलते वो खंडित करने का बहुत साजिश रचे, बहुत षड्यंत्र किए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए जी। कितना भी आपने कहा ना कि बहुत लोग टूटे, बहुत लोग ये किए, तो वो वैसे नहीं टूटे हैं। कोई भी जो भी टूटे हैं वो खड़यंत्र के शिकार होके टूटे, उनका बहुत ज्यादा दोष नहीं है, लेकिन हाँ उनका ये दोष है कि आप दूरदृष्टि नहीं सोचे, हमारा जो बहुत बड़ा मिशन है नहीं, वो जाल बिछाया गया था जिसमें हाँ, उसमें वो फंस गए। ठीक है, वो भी पछता रहे हैं आज जी। उनकी भी छटपटाहट आज वैसे ही दिखने को मिल रही है। जब एकजुटता सामने आ रही है तो समाज उनको भी कह रहा है कि ये क्या कर दिए, आपको तो बड़ा प्लेटफॉर्म मिला था, आपको तो खुद पीछे होकर के आगे किया था। आशुतोष जी, आप एक लंबे समय से ब्राह्मणों को एकजुट करने का काम कर रहे हैं, 1.5 दशक से ज़्यादा समय हो गया। वर्तमान जो राजनीतिक परिवेश है उसमें आप जो राजनीतिक दल हैं, जो मैंने सत्ता में हैं या विपक्ष में हैं, जो स्थापित दल हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनके वनस्पत और उनसे टक्कर लेने के लिए आखिर ब्राह्मणों को कैसे एकजुट करेंगे, क्योंकि सब तो आपको नकार चुके हैं, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल की बात करें, जनता दल यूनाइटेड की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कांग्रेस भी बहुत हद तक आपको अब पहले ब्राह्मणों की पार्टी कही जाती थी, आज वहाँ भी आप नहीं हैं। इसका सीधा मतलब है कि आपको एक विकल्प बनाना होगा, ये विकल्प आप स्वयं बनाएंगे या फिर इन्हीं दलों को मजबूर करेंगे कि हमें विकल्प के रूप में स्वीकार करें। देखिए, हम किसी विकल्प की तलाश में नहीं है जी। ब्राह्मण तो विकल्प बनाता है जी। और आज भी ये जितने दलों का नाम ले रहे हैं या जितने दल वास्तव में सत्ता के पक्ष और विपक्ष के केंद्र में हैं जी,
उनमें आप देखेंगे तो उनमें भी बुद्धि ब्राह्मणों का ही है जी, और उनके जितने प्रवक्ता होंगे, महामंत्री होंगे, महासचिव होंगे, या उनके जो ज्यादा कर्ता मतलब थिंक टैंक जो होगा, वो सब तो ब्राह्मण है या परशुराम वंशज। जी जी, ब्राह्मण नहीं तो परशुराम वंशज तो जरूर है। जी, तो जब परशुराम वंशज में ये शक्ति है, लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि वो परशुराम वंशज मजबूर हैं, मतलब दोनों एक्सेप्ट करने के तैयार नहीं है, जिसके पास शक्ति है वो भी और जो उसका उपयोग कर रहा हो भी। परशुराम वंशज में सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है कि उनको अपने स्वयं के चाहत में कि हमको कुछ मिल जाए, समाज को जो हो सो हो जी, मिले ना मिले, ठीक है, व्यक्तिवादी सोच के चलते हमारा समाज पिछड़ गया जी, निजी मृग तृष्णा कही हम कह रहे हैं, उनको मिल भी नहीं रहा है, एकाध को छोड़ के किसको मिल रहा है जी, हजारों हजार सैकड़ों की संख्या में लोग लगे जी, जी, एनर्जी लगा रहे हैं एक डायरेक्शन में, लेकिन हम आपके माध्यम से भी आह्वान करना चाहेंगे कि जो स्थापित लोग हैं सदन में, चले गए आज वर्तमान में है या पूर्व चले गए जी, उनकी तो चलिए कोई ना कोई चल ही जाता है, उनको टिकट देने के समय में रिकॉग्नाइज कर लेता है, लेकिन बाद के जितने लोग हैं वो तो आफा दाफे में ही रह जाते हैं और 5 साल उनको यूज करता है, अब 5 साल के बाद दूसरे को ले आता है, फिर 5 साल के बाद तीसरे को ले आता है, ये क्रम लगातार जारी है और एक को दूसरे काट रहा है। जैसे हम भाजपा की बात कर रहे हैं, भाजपा में मतलब जो सुयोग्य बनाता था वो आज प्रयोग का विषय बन गया, प्रयोग का विषय बन गया है, और हम कह रहे हैं कि किसी को स्थापित नहीं होने देता है। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र नीतीश मिश्रा जी, जी क्या कमी था कि वो विधायक दल के नेता नहीं हो सकते थे जी? क्यों? इसलिए कि उनमें विद्वता है, उनका टैलेंट है, उन्होंने जब जब मंत्री बना तब तब उन्होंने अच्छा डिलीवर किया जी। हम कह रहे हैं कि नितिन गडकरी में क्या दिक्कत था कि राष्ट्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड से हटा दिया जी। तो ये सब सुनियोजित षड्यंत्र है कि आप हमारे बंधुआ वोटर बने रहो, हम कर्तव्य करो, हम अधिकार नहीं देंगे। तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है जी, वो कर्तव्य हम करेंगे तो अधिकार देना पड़ेगा, और अधिकार यदि नहीं दीजिएगा जी तो निश्चित रूप से आपको सबसे ज्यादा नुकसान होगा। अब देखिए, महागठबंधन माने जिसमें सब दल का लोग हैं, इंडिया जिसको आजकल कहा जा रहा है, इंडिया में तो ज्यादातर माने दल ये सोच के चल रहे हैं कि ब्राह्मण हमको वोट नहीं देगा, इसीलिए वो ब्राह्मण को तवज्जो नहीं देते जी। लेकिन वो चाहते हैं कि ब्राह्मण हमको वोट दे जी। और लेकिन वो एक्ट नहीं कर पा रहे हैं जिससे ब्राह्मण कनेक्ट हो, या उनके जो नेता हैं उसमें जो दल के नेता हैं वह भी अपने समाज में जाके यही कहते हैं कि ये तो अतपिछड़ों की पार्टी है, ये तो दलितों की पार्टी है। तो फिर ब्राह्मण समाज वो कहते क्या है कि हम तो अपने बुद्धि से किसी तरीका से हैं, हम आपका पैरवी नहीं कर सकते। अस्तु जी, ये तो समस्याएं हो गई जिसकी बात हम लोगों ने किया, उसके लिए आप प्रयास भी कर रहे हैं, समाधान क्या है? देखिए, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म में जो रेल की पटरी है, ट्रेन तो आपको इसी पर चलाना है ना, निश्चित। तो निश्चित रूप से या तो आपको एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को हटाना पड़ेगा, या अपने लिए नई व्यवस्था, जैसे बुलेट ट्रेन अब तक नहीं आई तो आपकी क्या ट्रेन आएगी? देखिए, ट्रेन आएगी, और भागीरथी यदि तपस्या करके गंगा को पृथ्वी पर उतार सकता है तो निश्चित रूप से हम लोगों का संगठन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लोगों का पूरा संगठन, इसमें जितने नैष्ठिक लोग लगे हैं जी, और अब तो बहुत मजबूत स्तंभ भी जुड़ने जा रहे हैं जी, या जुड़े भी हैं, आप देखे भी होंगे। तो अब उन लोगों के सत प्रयासों से और हम लोगों के ऊर्जा से जी, अब ये लगने लगा है कि जो भी ब्राह्मण डोमिनेटेड क्षेत्र है जी, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा हो, हम लोग विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं मुख्यतः, लेकिन लोकसभा में को भी हम लोग छोड़ने नहीं जा रहे जी। वहाँ क्यों नहीं छोड़ने जा रहे हैं कि हमारी आबादी सवर्णों में सबसे ज्यादा है जी, और हमको दिया जाता है 2 सीट जी, अब लॉलीपॉप दिया जा रहा है 3रा सीट दे रहे हैं, क्यों 3 ही सीट देंगे हमको? 8 सीट चाहिए भाई 40 में जी, ब्राह्मणों को 8 सीट चाहिए, 8 सीट आप नहीं दीजिएगा, यदि कोई दूसरा दिया तो हम उसका समर्थन करेंगे जी पक्का, तो को नमो को चूल्हा में झोंको हम लोगों का सिद्धांत हो जाएगा जी। जैसा आपने नोटा कहा, तो नोटा नहीं डाल के हम लोग अपना उम्मीदवार जो वहां निर्दलीय खड़ा होगा उसको सपोर्ट दे देंगे, उतना वोट वहां दिला देंगे जी। तो निश्चित आप जानिए, हम तो आपको डिस्टर्ब ही नहीं कर रहे, हम अपना अधिकार मांग रहे जी। आप अधिकार नहीं देना चाहते तो आप बायस होकर के हारिएगा। अब हम लोगों की रणनीति, हम सोच रहे हैं कि अभी हम लोग कोई राजनीतिक विकल्प ना बना के सीधा हम अपने समाज के अधिकार के लिए वहां के मजबूत स्तंभ को आग्रह कर रहे हैं जी कि आप खड़ा होइए,
आप सिवान से खड़ा हुई है, गोपालगंज सुरक्षित है तो हम सुरक्षित प्रत्याशी को समर्थन दे देंगे क्योंकि हम डोमिनेटेड हैं वहाँ। जी जी, ये मत समझिए कि हम दलित को नहीं जिता सकते, हम ऐसे दलित को जिताएंगे जो आपके दल से नहीं होगा। आर पार की लड़ाई के लिए ब्राह्मण तैयार हैं। अब देखिए ये क्या हो रहा है, अभी तक कांग्रेस का वोट बैंक था बहुत पहले जी, उसके बाद से अटल आडवाणी जी के युग में ये सब लोग जय श्री राम हुआ तो सब लोग आ गए भाजपा में, ज्यादातर 80-90% लोग। अब क्या हो रहा है, भाजपा दोयम दर्जे का व्यवहार कर रही है, ये सभी ब्राह्मणों के मन में है। तो समझ गए कि बंधुआ है, जो स्थापित ब्राह्मण है उनके भी मन में है, वो भी जब ऑफ द रिकॉर्ड बात होती है तो वो लोग चर्चा करते हैं कि हम लोग का थोड़े चलने वाला है, हम लोग का अब नहीं चलता है, यहाँ तो अब पिछड़ा का चलता है। आशुतोष जी, एक और बात जो बातचीत हुई उसी के दरमियान मन में आ रहा है कि सभी जातियां अपने अपने प्लेटफॉर्म बना चुकी है, चाहे जिस जाति की भी बात कर लें सभी का प्लेटफॉर्म है, सिर्फ ब्राह्मणों का छोड़ करके। ब्राह्मणों का अगर प्लेटफॉर्म है भी तो कई टुकड़ियों में बटा हुआ है, ऐसे लोगों से आप क्या अपील करेंगे, क्या उन्हें एकजुट होकर के एक प्लेटफॉर्म बना करके जिस तरह से और जातियां अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रही हैं वैसे बाकी के लोगों को भी लड़ना चाहिए, ब्राह्मण समाज को भी एकजुट होकर के लड़ना चाहिए? हम तो सबसे पहले कहते हैं कि जितने अलग अलग संगठन चल रहे हैं जी, या तो सब लोग एक हो जाए, हम आपके माध्यम से भी अपील कर रहे हैं लोगों से, या तो एक हो जाए, और नहीं यदि एक होते हैं तो बड़े उद्देश्य के लिए एक कोऑर्डिनेशन बना लीजिए, एक समन्वय बना लीजिए, और सब लोग यदि राजधानी में हम लोग कोई बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं तो सब लोगों को लग जाना चाहिए, उसके बाद जो जहां मार्केटिंग करना है करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है हमको। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि जब कलेक्टिव हम बात करें तो हाँ, तभी कोई रिस्पांस लेगा। आप जिस दल में है उस दल में लीजिए पावर जी, आप अधिकार लीजिए। ऐसा देखने को मिला था 20 तारीख को जो आपने जो ब्राह्मण विमर्श किया था उसमें भी दिखा के था कि कई दल के उसमें ब्राह्मण पहुंचे थे, कई दल के भी ब्राह्मण थे और कई संगठन चलाने वाले भी पहुंचे थे, सिर्फ हमारे संगठन के लोग नहीं थे, अलग अलग संगठन के लोग आए थे और उन सबको हम सम्मानित किए थे। क्या लगता है बदलाव हो रहा है? हाँ, एकदम हो रहा है, लोगों में ये आ रही है भावना, लेकिन होता क्या है ना, ब्राह्मण तुरंत प्रतिक्रियावादी नहीं होता है जी, इसीलिए लोगों को दिख नहीं रहा है, लेकिन अंदर अंदर सबको एक माने एहसास हो गया है कि अब यदि नहीं संभलोगे तो आपके पोता को इंडिया से भगा देगा जी, ये होने लगा लोगों को। अभी वर्तमान में देखिए ना, कैमूर में बोर्ड लिख दिया है श्रीमान जी, बहुतों को नहीं पता होगा क्योंकि स्थानीय अखबार में छपती है जी, जी। हमको तो चूंकि संगठन है तो सब जगह से आ जाता है बिल्कुल। कल ही वहां से एक पांडे जी हमको फोन किए, मैं कहीं था रात में, तो उन्होंने कहा कि 100 दलित बैठ गया और वो गाली अपशब्द लिखा है पोल पर, बाउंड्री पर जी, ब्राह्मणों को नहीं लिखा, वो हिंदू को लिखा है लेकिन टारगेट ब्राह्मणों को कर रहा है जी। और जो हिंदूवादी संगठन है वो इसलिए नहीं काउंटर करेंगे कि वो ब्राह्मण है जी, तो ये तो अन्याय हो रहा है ना, हम हिंदू सेंटिमेंट कर करके भागे जा रहे हैं, सनातन बचाना है, हिंदू बचाना है, और यहाँ ब्राह्मण को खत्म कर दोगे तो सनातन कैसे बचेगा, और सनातन नहीं बचेगा तो देश नहीं बचेगा। तो हम लोग देश बचाने के लिए एक हो रहे हैं, हम लोग सिर्फ ब्राह्मण बचाने एक नहीं हो रहे हैं। एक कार्यक्रम की जानकारी मिली है कि जिस तरह से आपने 20 तारीख को एक कार्यक्रम किया था जिसमें अच्छी खासी रिस्पांस मिली थी, मीडिया कवरेज भी मिला था और अच्छे लोग उसमें जुड़ करके नए अभियान की तरफ भी आगे बढ़ने की बात कर रहे थे, एक कार्यक्रम जैसी जानकारी हमें मिली है और ऑफ द रिकॉर्ड आपसे बात भी हो रही थी कि आप करने वाले हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर के बीच में, आप कब करने वाले हैं और इस कार्यक्रम का क्या रूपरेखा होगा? हम अक्टूबर में दुर्गा पूजा के बाद जी, चूंकि हमारा जो जनजागरण यात्रा चल रहा है उसके 20 जून को प्रारंभ हुआ था, 20 अगस्त को 2 महीना पूरा था तो हम ब्राह्मण विमर्श किए थे और युवा प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी करा दिए थे, माने सफलता की कसौटी वहां से है श्रीमान जी, 255 लोगों ने नॉमिनेशन किया था युवा अध्यक्ष बनने के लिए, जिला जिला के अध्यक्ष बनने के लिए 250 नामांकन आए थे 38 जिला से और 7 नामांकन आए थे प्रदेश युवा अध्यक्ष के लिए। ये बताता है कि ब्राह्मणों में इस संगठन की विश्वसनीयता कितनी है, लोग कितना जुड़ करके इसमें पदाधिकारी बनना चाहते हैं और हम लोग कोई सेलेक्टेड बनाते नहीं हैं, जो बनाते हैं वो इलेक्टेड बनाते हैं, समाज के बीच से विचार करके बनाते हैं, इसीलिए हम लोगों का संगठन सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक और पारदर्शी तरीके से गठन होता है। अब आया कि हमको अगला जो अक्टूबर में, चूंकि हमारे जनजागरण यात्रा का 4 महीना पूरेगा तो 4 महीना पूरने पर हम लोग एक व्यापक ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन करेंगे जी, ये ब्राह्मण विमर्श था। अब ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलनों की श्रृंखला चल रही है, वो स्टार्ट हुआ है 25 दिसंबर 2022 को
और उसका समापन चाणक्य यात्रा के समापन के साथ होगा। एक साल भर हम लोग ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन कर रहे हैं। अभी तक 10 जिला में हम लोग कर चुके हैं जी, आया भी है ललित बाबू का जयंती सुपौल में, सौराठ में ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन, झंझारपुर में ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन, परशुराम शोभा यात्रा स्वाभिमान सम्मेलन, दरभंगा में, हर जगह हम लोग 10 जिला में कर चुके हैं। अब रेस्ट जो 28 जिला है उसमें भी हमको अक्टूबर के पहले या दिसंबर तक इस बार पूरा कर लेना है। कोई जिला नहीं बचेगा जहां हम ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन जिला सम्मेलनों के तौर पे करेंगे। और उसके बाद ये तो 25 दिसंबर को समापन होगा। हम लोगों की योजना, यदि ब्राह्मण समाज का समर्थन जिस तरीका से मिल रहा है और मिलता रहेगा, हमको उम्मीद है मिलेगा जी, जी। क्योंकि सब लोग दशा दिशा भटक चुके हैं जी। सब राजनीतिक दल भटक चुके हैं और ब्राह्मण दशा दिशा बनाना जानता है। जब ब्राह्मण संकल्प ले लेगा और आम ब्राह्मणों की सहमति से ही कोई निर्णय करेंगे जी। हम लोग के संगठन के 10 लोग मिलकर कुछ नहीं करने वाले, या सैकड़ों हजारों लोग मिलकर कोई निर्णय नहीं लेने वाले हैं। हम लोग पूरा सर्वे कर लेंगे, गांव से, टोला से, प्रखंड से, जिला से, तब आके प्रदेश निर्णय करेगी और वो जो निर्णय होगा उसको सभी ब्राह्मण मानने के लिए। अक्टूबर में एक बड़ा कार्यक्रम, अक्टूबर में एक कार्यक्रम करेंगे और उसके बाद दिसंबर में समापन कार्यक्रम भी होगा जी। ये भी हो सकता है कि कृष्ण मेमोरियल हॉल में अक्टूबर करें जी और दिसंबर बापू सभागार करें जी। और हम लोगों की योजना फरवरी में गांधी मैदान भरने की भी है, और जब गांधी मैदान ब्राह्मण भर लेंगे तो विकल्प तो ऐसे ही सामने आ जाएगा जी। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आशुतोष जी, आपने बहुत सारी बातें बताई और एक समाज की वेदना जो है उसको भी आपने बताया। कई बार ये कहा जाता है कि इस सरकार ने ये कर दिया, उस सरकार ने ये वो कर दिया। एक बात आपसे चर्चा हो रही थी उसी दौरान आपने बताया भी था कि भारतीय जनता पार्टी के लीड करने वाली कई ऐसे राज्य हैं जहाँ वो सब कुछ नहीं है जो ब्राह्मणों को चाहिए। इसका सीधा मतलब है कि न तो भारतीय जनता पार्टी और बिहार में भी सवर्ण आयोग का गठन होकर के भी कुछ नहीं हो पाया है। इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ये बृहद चर्चा का विषय है, ये बृहद चर्चा का विषय है, क्योंकि 2011 में सवर्ण आयोग सबसे पहले जी बिहार में ही बना, बिहार में ही बना, 2013 में हिमाचल में बना जी, और बनते बनते 7 राज्यों में बन गया। ब्राह्मण कल्याण बोर्ड है लेकिन वो इंडिया गठबंधन का ही है जी, भाजपा शासित एक भी राज्य में ब्राह्मण कल्याण बोर्ड नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, और इस पर हम लोग चर्चा जरूर करेंगे। कई डिमांड है, हमने इससे पहले भी आपको बताया था कि कई डिमांड को लेकर के आशुतोष जी आगे बढ़ रहे हैं। अब इनको सपोर्ट भी मिल रहा है, कई लोगों ने इनके साथ हाथ में हाथ मिलाकर के, कदम से कदम मिलाकर चलने की बात की है। अगर ये इसी तरह से चलता रहा तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आने वाले समय में सिर्फ नीतीश लालू को ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी को भी काफ़ी परेशानी और मुश्किल होने वाली है। कहीं ना कहीं भाजपा को ब्राह्मण औकात बताने की हैसियत रखते हैं, जैसा कि लगातार तैयारी चल रही है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। अगली जब मीटिंग होगी उससे पहले हम आपसे आग्रह करेंगे कि कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें। आशुतोष जी से कोई सवाल है तो जरूर पूछिएगा, क्योंकि जब अगली बार हम इनसे बात करेंगे तो उन सवालों के साथ हम रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।